जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, बक्सिया को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? वो न्यायाधीश था जी सी हिल्टन, जी सी हिल्टन था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो रौलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डंडा फौज का गठन किसने किया था? डंडा फौज है उसका गठन किया था चमनदीप, जो पंजाब से संबंधित थे। डंडा फौज का गठन किया था चमनदीप ने। नेक्स्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निरकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास जी ने की थी। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी था खुद्दीराम बोस, खुद्दीराम बोस। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? महात्मा गांधी जिन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लेने से मना कर दिया था। नेक्स्ट, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस संविधान के किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? वो अनुच्छेद है 61वें अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग व अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है, वो भारत की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।